तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पूछा पूछा। अरे बच्चों, अरे बोलो यार। क्यों क्या पोपट अंकल? अरे मेरा स्वागत नहीं करना है, पूजा का करना है। सारी तैयारी हो गई? हाँ, डोंट वरी पोपट अंकल, सारी तैयारियां हो चुकी है। पूजा आंटी के आते हम धूम मचा देंगे। अरे वाह, लगता है पूजा आ गई। ओह, आ गई पूजा। वेलकम वेलकम। ओके ओके, थैंक यू पूजा, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। पोपटलाल जी, ये सब क्या है? मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ, मैं तो नई नई उभरती पत्रकार हूँ। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में सिर्फ सेलिब्रिटी को नहीं, हर पल को सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, यस। हम यहाँ पर गम को कम करते हैं और खुशियों को डबल करते हैं। सही बात है। वाह, और आप तो हमारे सुपर डुपर गेस्ट हो। एक्चुअली हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में जो भी पहली बार आता है तो उनका इसी तरह से धमाकेदार स्वागत होता है। यस, ओह हाउ स्वीट, आई एम सो लकी। अच्छा, मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये हमारी सोसाइटी के रॉक स्टार्स, हमारी टप्पू सेना, पिंकू, हेलो, गोगी, सत श्री अकाल, गोली, हेलो, और टप्पू, हेलो, हेलो। और ये हम सबके चहीते अब्दुल मियाँ, हेलो, हेलो, सलाम। ये हमारे आदरणीय चाचा जी, चंपक चाचा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पोपट भाई, भाभी बहुत संस्कारी है। पूजा, ये है डॉक्टर हाथी, हम सबकी सेहत का ख्याल रखते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। आज के समय में डॉक्टर पास में रहते हो तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। थैंक यू। अरे हाँ, हाँ, भिड़े, हाँ, हाँ। ये भिड़े जी हैं हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी जी। पूरा नाम है आत्मराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, और पूरी सोसाइटी की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत हो चुका है आपका, लगता है। बहुत प्यारी है आपकी सोसाइटी। सिर्फ सोसाइटी नहीं पूजा जी, यहाँ पे रहने वाले भी बहुत प्यारे हैं। पूजा, ऊपर घर पर चले? हाँ हाँ चलिए। बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा। आओ 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 आओ, प्लीज आइए, आ जाओ। थैंक यू। ये दोनों की जोड़ी जम रही है, है कि नहीं? चलो बच्चों, मैं घर पर हूँ। पोपट और पूजा बेटी नीचे आए तो मुझे बुला। अरे चाचा जी रुकिए ना, अभी थोड़ी देर में बात पक्की हो जाएगी तो आशीर्वाद लेने के लिए वो नीचे आ ही जाएंगे ना। हाँ दादाजी, आप हमारे साथ यहीं रुकिए। वो क्या ना, पूजा आंटी को इंदौर के लिए फ्लाइट भी पकड़नी है तो उन्हें लेट हो जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, मैं यहीं नीचे ही रुकता हूँ, ठीक है? चल अदीला, तेरे घर के बाहर बैठते हैं। हाँ आइए आइए, आओ। हाँ चलो, आओ आओ पूजा, आओ, वेलकम, आओ आओ ना प्लीज, आओ आओ। ये है पत्रकार पोपटलाल की छोटी सी दुनिया, मेरा घर, इसमें तुम्हारा दिल से स्वागत है। वाओ पोपटलाल जी, आपका घर वाकई में बहुत सुंदर है। थैंक यू। ये मेरी गोकुलधाम की बहनें हैं, ये अंजलि भाभी। नमस्ते पूजा। माधवी भाभी। नमस्ते। बबीता जी। हाय नमस्ते। कोमल भाभी और रोशन भाभी। नमस्ते। नमस्ते सेठ जी। और बहनों, ये मिस पूजा है, तूफान एक्सप्रेस के इंदौर ब्रांच में काम करती है। नाइस टू मीट यू। पोपट भाई। परफेक्ट। क्या परफेक्ट है? वो एक्चुअली पोपट भाई बोल रहे थे कि आप काम के मामले में बहुत परफेक्ट हो। ऐसे मैंने बोला था। ये तो सब इनकी वजह से, इनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं।
अच्छा अच्छा, आप लोग बैठ के आराम से बातें कीजिए, हम आपके लिए चाय कॉफी नाश्ता लेकर आते हैं। ओके थैंक यू। आइए आइए बैठ। बैठो ना। आपकी सोसाइटी में सब कितने कोऑपरेटिव हैं। हाँ हाँ, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ही ऐसी, कोई अगर एक बार यहाँ आ जाए ना फिर उसे वापस जाने का मन नहीं करता है। सच में मेरा तो अभी से दिल कर रहा है कि यही रह जाओ। आज बहुत बड़ा दिन है, आज का दिन सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। हाँ वो तो है, बस अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। हो जाएगा चाचा जी, पोपटलाल की बहनें महिला मंडल बैठा है ना ऊपर, वो तय कर देंगी सब। सही बात है। मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग सब भी ऊपर ही चलते हैं, वैसे भी बोर हो रहा है, ऊपर बहुत नाश्ता होगा, चलिए ना प्लीज। ए गोया, वहां पे जाके तू खाएगा ना तो पूजा आंटी तुम्हें देखेगी तो डर जाएगी। मेरा मतलब है नर्वस हो जाएगी ऐसे देख के। सही बात है बेटा, आज बस रिश्ता तय हो जाए फिर तो हर रोज पार्टी है। और ऊपर जाने की जरूरत नहीं है गोया, वो लोग नीचे आते ही हो। और वैसे भी आधी बात तो हो चुकी है, और आधी बात करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर पूजा आंटी को इंदौर भी तो जाना। पूजा और लो ना, और लो। अरे लो ना प्लीज। बाबूजी ने खुद तो कुछ खाया ही नहीं, कब से उसको ही खिला रहे। ये पूजा जी से नजर हटेगी तो पेट पूजा करेंगे ना। वैसे एक बात है, आपके गोकुलधाम में भी इंदौर की तरह खाने की बड़ी वैरायटी है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगी, हमारा गोकुलधाम अपने आप में पूरा मिनी इंडिया है। अरे यस यस, मुझे पता है, मैंने पता किया है आपकी गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में, यहाँ सब धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हाँ। अरे पूजा जी, जिस काम के लिए आप मुंबई आई थी वो काम हो गया? हाँ, मेरा ऑफिस का काम तो हो गया है, लेकिन मेरा एक पर्सनल काम अभी भी बाकी है। अच्छा, लेकिन आप तो आज वापस जाने की बात कर रही है, तो उसके पहले तो आपको पर्सनल काम निपटाने चाहिए नहीं का? हाँ। अभी पर्सनल काम करने ही तो आई हूँ। हाँ, पोपटलाल जी। हा? मुझे आपको थैंक्स कहना है, आप के लिए बहुत लकी है। पता है आज मैं यहाँ पर आई और मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे इंदौर ब्रांच का हेड बना दिया गया है। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, उसके लिए बधाई देना तो रह ही गया। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा। थैंक यू। अरे पोपटलाल भाई, मुंह मीठा करो। अरे मुंह मीठा करो। अरे नहीं 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 नहीं, एक तो लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, लेना पड़ेगा, एक तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा आप इतना कह रहे तो ले लेती हूँ। पूरा पूरा। वाओ, बहुत बढ़िया रसगुल्ले। थैंक यू। हमारी पोपट भौजी ना एकदम लकी है, लकी। और मैं भी लकी हूँ, मेरा इनसे मिलने का संयोग हुआ। ओ फकर। चले। पोपट भौजी कब से सिर्फ देख ही रहे हैं नहीं? मुद्द्याचं तर बोला लवकर। मी का म्हणते आप लोग बातें कीजिए, हम लोग अंदर है नहीं का? बैठिए। पोपटलाल भाई, पोपटलाल भाई, एक मिनट। एक्सक्यूज मी। पोपटलाल भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या ऐसे कब तक देखते रहेंगे आप? मेन बात कब करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। अरे आप बोलना शुरू करो, बात अपने आप चालू हो जाएगी। ब्रेक द आइस मैन। अच्छा आराम से बातें कीजिए और हम मजे से अंदर से सुनेंगे।
गुड्याचं बोला पोपट भाऊजी. और जैसे ही शादी की बात होती है ना, शगुन का नारियल लेकर हम लोग आ ही रहे. मैं नारियल लेकर आती हूँ. पूजा कुछ कहो ना. क्या कहूँ? दिल की बात. तुम्हें अपने दिल की बात मुझसे कहनी थी ना. यस यस बताती हूँ. लेकिन वो बात बताने से पहले मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ. अरे नहीं 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 पूजा, नहीं 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 पैर नहीं, पैर नहीं. उगवे अधीच. हाँ बहुत संस्कारी छे पोपट भाई के लिए परफेक्ट. मैं इन सब बातों में नहीं मानता. बैठो बैठो प्लीज बैठो. पोपट लाल जी आपकी यही बात तो कितनी खास है. आप बहुत अनोखे, सबसे अलग. थैंक यू पूजा. मैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करता. मेरी नजर में स्त्री पुरुष से किसी बात में कम नहीं है. आज की नारी ने अपने आप को घर की चार दीवारियों में सीमित नहीं रखा है. घर से बाहर निकलकर कितनी प्रगति. मैं तो मानता हूँ कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, हमारा समाज अधूरा है. स्त्री माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है और जीवन संगीनी भी. वाह वाह पोपटलाल जी, आपके विचार कितने महान हैं. आपके विचार शब्द इतने प्रगतिशील होते हैं कि उनसे हमें प्रेरणा मिलती है. आपके विचार आपके काम में भी झलकते हैं. आपका काम के लिए कमिटमेंट काबिले तारीफ है. आपके काम में कितनी बारीकी होती है. अरे वो तो रखनी पड़ेगी ना. हर पत्रकार को ऐसा ही होना चाहिए. अगर हम सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो सच बाहर कैसे आएगा. पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है. वाह दिल करता है आपकी बात सुनती ही जाओ सुनती ही जाओ. एक बार शादी करके घर आ जाओ फिर जिंदगी भर ऐसी बातें सुनाता रहूंगा. लगता है इस बार बात पक्की है. चलो चलो उसको बात तो बोलने दो. और कुछ बोलिए ना पोपटलाल जी. पत्रकार को हमेशा सच का साथ देना चाहिए. वरना आजकल तो लोग कुछ भी छापते हैं. सच्चा पत्रकार ही सच को सामने लाता है. करेक्ट. 2 साल पहले आप इंदौर आए थे ना लेक्चर देने. मैं ये काम तभी करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई थी. फिर पिछले साल लॉकडाउन आ गया तभी मुंबई नहीं आ पाई. कोई बात नहीं कोई बात नहीं. जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है. इस बार तुम मुंबई आई हो बिल्कुल सही वक्त पर आई हो. पर तुम क्यों रुक गई? बोलो ना जो दिल की बात कहना चाह रही थी वो कहो ना. पोपटलाल जी मैं इस घड़ी का कब से इंतजार कर रही थी. मैं सच कहूँ तो दिल से कहूँ तो आई 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 रिस्पेक्ट यू. आप मेरे गुरु हैं. अरे इसमें गुरु क्या. मैंने कहा ना स्त्री और पुरुष एक समान होते हैं. वो जो भी है मैंने एक बात तय कर ली है. मैं भी आपके नक्शे कदम पर चलूंगी. मैंने भी आपकी तरह काम को अपना पति मान लिया है. मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारे दिल की बात. मेरे दिल की बात ये है कि आपकी तरह मैं भी कभी शादी नहीं करूंगी. क्या क्या हुआ? नारियल? चटनी के लिए नारियल लाई थी. पूजा ये क्या बोल रही हो? तुम मजाक कर रही हो ना? दिल की बात ऐसी थोड़ी होती है. नहीं नहीं मजाक नहीं है. आप कुंवारे रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं. मुझे तो ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि आप मेरे रोल मॉडल हो, मेरी प्रेरणा हो. आज सुबह की बात ले लीजिए. मैं आपका इंतजार कर रही थी लेकिन आप आम का आर्टिकल कंप्लीट करके ही आए. ये कमिटमेंट होता है. आपने जैसे अपना निजी जीवन, अपना सांसारिक जीवन पत्रकारिता को समर्पित किया है वैसे ही मैंने भी पत्रकारिता पर अपना जीवन न्यौछावर किया है. मैं भी आपकी तरह सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी. भगवान ये तो नैया डूब ही गई. क्या? हाँ
अरे तुम गलत सोच रही हो, मैं तो मुझे पता है इस निर्णय का पालन करने के लिए बहुत दृढ़ मनोबल चाहिए, लेकिन आप मेरे आदर्श है, आप ये कर पाए हैं तो मैं भी कर पाऊंगी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे नहीं। अरे आपको पता है जब आप 2 साल पहले इंदौर में लेक्चर देने आए थे, मेरे साथ ऑडियंस में बैठी 8-10 लड़के आपके पीछे लट्टू हो गई थी। अच्छा? सब की सब आपसे शादी करना चाहती थी, मगर मैंने उन्हें रोका था। इस हिसाब से तो पोपट भाई की शादी 2 साल पहले हो गई होती। आपकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया था, विश्वास हो गया था कि आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है, आपने जर्नलिज्म को ही अपनी पत्नी मान लिया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो ताकि मैं कुंवारी ना रहूं, आप मेरी खुशी चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। मैंने भी आपकी तरह तय कर लिया है, जैसे आपकी पत्नी पत्रकारिता है, मेरा पति भी पत्रकारिता होगा। अरे पोपटलाल जी, पोपटलाल जी, अरे ये लीजिए पानी, पीछे पीछे चली जाएगी हिचकी, अभी पानी पीजिए। हाँ अरे आपको पता है 1-2 लड़कियां तो आपके पीछे मुंबई आने वाली थी, मैंने उन्हें रोका, मैंने उन्हें समझाया कि पोपटलाल जी की जिंदगी में जर्नलिज्म के अलावा और किसी की जगह नहीं है, मुंबई जाके कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको कोई विचलित करे, आपने अपने काम के लिए सब कुछ त्याग दिया है, वरना आप जैसा इंसान कुवारा क्यों रहेगा। बहुत समझाया तब जाके वो लड़कियां मानी, वरना पिछले साल ही शादी हो जाती आपकी, कितना नुकसान होता देश का। मैंने बचाया आपको शादी से। मतलब इस छोकरी की वजह से हमारे पोपट भाई कुवारे रह गए। ठीक है गुरुजी, तो मैं चलती हूँ, आप हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर रखना, आप हमेशा मेरा सूरज बनना और मुझे रास्ता दिखाते रहना, मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे नहीं पूजा रहने दो। अरे नहीं आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। नहीं 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 प्लीज रहने दो। नहीं नहीं आशीर्वाद लेकर आऊंगी। पूजा रहने दो, रहने दो। आपका आशीर्वाद मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरा जीवन सुना हो गया। पूजा जी को सच बताना होगा, ये तो कुछ अलग ही सोच रही है। हाँ। तो मैं चलूं, मुझे देर हो रही है। ओके पूजा, खुश रहो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बेचारे पोपटलाल भाई कब से आस लगाए बैठे हैं, हमारे बोलने से शायद कुछ तो बात बन जाए। चलो पूजा चली जाए, उसके पहले सच बता देते हैं। हमें आपसे कुछ बात कहनी है। सच ये है कि माधु भाभी, हाँ बोलिए ना। वो मेरी बहनें तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहती हैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। अरे हाँ पोपटलाल जी, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, नीचे गाड़ी में, आप भी चलेंगे मेरे साथ? ओके। मैं पूजा को छोड़कर आता हूँ। क्या सोचा था और क्या हो गया? हाँ, आज तो पोपट भाई का दिल ही टूट गया होगा। लो हो गई ना गड़बड़। भाई हमेशा कहता हूँ मैं, ये गोकुल धाम है, यहाँ कुछ सीधा होता ही नहीं, सब कुछ उल्टा ही होता है। अब पोपटलाल बेचारे पति बनने चले थे और गुरु बनकर, लेकिन ये भी कोई छोटी बात नहीं है। किसी के जीवन में उसे सही राह दिखाना, सूरज बन के रोशनी बिखेरना, ये कम नहीं होता। आज के जमाने में जब झूठी अफवाहें फैलती है, झूठी खबरें फैलती है, ऐसे में पोपटलाल जैसे निष्पक्ष पत्रकारों की जरूरत है जो सच सामने लेके आए। पोपटलाल वही करते हैं। और रही बात पोपटलाल की शादी की, तो मित्रों शादी तो होगी, जरूर होगी, धूमधाम से होगी और इतने जबरदस्त तरीके से होगी कि आपको लगेगा आपके परिवार में ही शादी हो रही है। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.